हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए जी, हमने अकाउंटिंग की सीरीज शुरू करी थी जिसमें अपना आज 16th लेक्चर है। इससे पहले हमने 15 लेक्चर बना दिए हैं, ठीक है, उन्हें आप जाके जरूर फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे दिया है अकाउंटिंग का, ठीक है, वो आप जाके जरूर चेक करिए और सारी की सारी वीडियो सीक्वेंस में जरूर लगाइए, ठीक है, ताकि आपको सारा का सारा इजी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 3 जनवरी 2022 से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है पेपर 1 के लिए, UGC नेट के लिए, ठीक है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 31st of December तक अगर आप लेते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलता है आपकी फीस में, ठीक है। उसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिसमें सारी की सारी डिटेल कवर करी है, वो आप जाके एक बार देख सकते हैं। और अगर आपको वो कोर्स लेना है, अगर वो बाय करना चाहते हैं, तो आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी 1211@gmail.com पे मेल कर सकते हैं मुझे अपना नेम एंड आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, जिससे मैं आपको पर्टिकुलर जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं आपको शेयर कर सकूंगा, ठीक है। तो आप इस पे मुझे मेल कर सकते हैं और 3 जनवरी से शुरू है, आप कभी भी ले सकते हैं इस कोर्स को। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, PDFs मिलेंगी और रेगुलर सेशंस आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी और उन्हीं लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। और रेगुलर में जो क्विजेज रहेंगी वो होगी, आपके टेस्ट हुआ करेंगे, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हम लोग करेंगे, ठीक है। जिस तरह अभी 2021 का देखें तो 2021 में आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई दिया था इस बार, तो हम लोग उसे अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। चलिए, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे एक ग्रुप है कॉन्सेप्चुअल स्टडी, इसे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। हालांकि रिवैल्यूएशन अकाउंट ना टीचर्स कराते हैं बाद में, एडमिशन जब आपको करवा देंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर उसके बाद करवाते हैं, ठीक है। मगर अभी हम पहले समझेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों है, पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद जब हम एडमिशन करेंगे, डेथ करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे हम देखेंगे कि इसका महत्व क्यों है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है इस टॉपिक को, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है, क्या होता है, उसके बारे में अगर हम जान लेंगे तो हमें जब हम एडमिशन करेंगे तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए देखो क्या कहते हैं, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या। अभी मैं पहले अगर आपको बताना चाहूं तो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम ना बनाते जब हैं तो वो किस लिए बनाते हैं, आपके पास अज्यूम करते हैं हम लोग ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है। अब ना यहां पर ए और बी जब पार्टनरशिप कर रहे हैं, अपनी एक पर्टिकुलर फर्म चला रहे हैं, तो उस वक्त उनका कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, कुछ लॉस हुआ होगा, कुछ भी है ना, उन्होंने कोई बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करी होंगी, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कुछ किया होगा, उन्होंने अपना बिजनेस चलाया होगा, तो क्या उस अकाउंटिंग पीरियड में उन्होंने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, ठीक है, उसकी जर्नल की होंगे, जर्नल और उसके बाद फिर लेजर बनाई होगी, फिर उसके बाद उन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाए होंगे, फिर उसके बाद वो उन्होंने क्या किया होगा, आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, है ना, फिर उसके बाद उन्होंने बैलेंस शीट बनाया होगा, ऐसा हुआ होगा। एक पर्टिकुलर साइकिल में हम यही देखते हैं ना, एक अकाउंटिंग साइकिल में कि हम क्या कुछ करते हैं, यही करते हैं ना, पहले एंट्रीज करते हैं अपने, जर्नल एंट्रीज, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, फिर उसके बाद बैलेंस शीट। तो क्या अगर सी अब एडमिट होता है, सी एक पार्टनर है और सी कहते हैं ए और बी मेरी बात सुनो, मैं ना आपके साथ पार्टनरशिप में आना चाहता हूं और ना मुझे बताओ अब क्या सिस्टम रहने वाला है, ठीक है, अब एक काम करो आप ना दोबारा से ये सारा का सारा सिस्टम दोबारा करो। मान लो ये तो अपना 31st December को कंप्लीट हो गया, मार्च को, है ना। अब ये होता है जो सी है ना, वो सी ना 5 अप्रैल को आ गया, 5th of April को आ गया, कहता है आपने दोबारा एक बार बैलेंस शीट बनाओ और देखो कि क्या कुछ असेट्स हैं
और कुछ जो लाइबिलिटीज हैं इनकी ना वैल्यू में क्या कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है? वो कहेंगे यार तू पागल है क्या, तेरे में दिमाग नाम की कोई चीज है? अभी हमने 5 दिन पहले तो ये सारा किया सिस्टम, और तुम फिर कह रहा हाँ भाई करो। तो ना यहाँ पे एक चीज याद हुई कि यार ये सब प्रोसेस दोबारा करने से बढ़िया है कि हमने एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। क्या बनाए? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके नाम पे जाओ, रीवैल्यू। री का मतलब क्या होता है? अगेन, और वैल्यू का मतलब होता है किसी उसकी कुछ वैल्यू निकालना, उसका कुछ मॉनिटरी टर्म्स में कुछ वैल्यू निकालना उसकी, ठीक है? वो क्या है, उस हम ऐसे लिख सकते हैं इसके रुपीज टर्म में, तो क्या है उस असेट का, उस लाइबिलिटी की हमने वैल्यू निकालना। तो वो कहता है कि आपके पास ना कुछ असेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं जिनकी ना ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड उनकी वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है? तो कहता है मैं जब आपके पास आऊंगा ना तो मुझे कितना कैपिटल लेके आना है, मुझे क्या पता कि भाई मुझे कितना कैपिटल लेके आना है, आपकी अपनी पहले औकात तो दिखाओ। वो ठीक कह रहे हैं ए और बी को कि ए और बी मेरी बात सुनो, आप मुझे कह तो दे रहे हो कि आप 10 लाख रुपए लेके आओ, लेकिन 10 लाख मैं क्यों लेके आऊं? पहले आप मुझे अपनी औकात तो दिखाओ, आपकी क्या पता 10 हजार की भी औकात ना हो और मुझसे आप 10 लाख रुपए मांग रहे हो, है ना? सी कहेगा, सी जेनुअन चीज कह रहे हैं, सी गलत चीज तो नहीं कह रहा ना, है ना? तो ए और बी कहेंगे चलो ठीक है, हम ना एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें हमारी जितनी भी असेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं इसको हम रीवैल्यू करेंगे और ना एक एग्जैक्ट अमाउंट निकालेंगे कि आज के टाइम पे हमारे फर्म की जितनी भी असेट्स हैं या फिर जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू क्या है, मार्केट में उनकी वैल्यू क्या है, उस हिसाब से आप अपना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन हमारे इस पार्टनरशिप फर्म में कर दीजिएगा। सी को ये बात उसने उन दोनों ने बोल दी, कहता भाई ठीक है आप बना लो रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लो, ठीक है? तो रिवॉल्यूशन अकाउंट किस लिए बनाते हैं हम लोग, जब भी कोई न्यू पार्टनर आए। अब यहां पे ना आपको लिखा होगा सिर्फ एडमिशन के, एडमिशन, ठीक है? लेकिन ये एडमिशन में भी होता है, कोई पार्टनर मर जाए, डेथ हो जाए, ठीक है, डिसोल्व हो जाए, ठीक है, या फिर आपकी जो कम ये पार्टनरशिप फर्म है इसमें कुछ कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, उस दौरान हम ये रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि क्या सी को कुछ फायदा हुआ, सी को क्या कुछ फायदा हुआ? हाँ जी सर, सी को फायदा हुआ, सी को ये फायदा हुआ कि उसको ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लाना हुआ। क्या पता फर्म की वैल्यू सिर्फ 10 हजार होती लेकिन उससे वो 10 लाख मांग रहे हैं ना, कितना ज्यादा अमाउंट उनसे, उस बेचारे से फालतू मांग रहे हैं, तो उस बेचारे को ना फालतू अमाउंट लाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है? उस जितनी एग्जैक्ट वैल्यू थी उतनी ही एग्जैक्ट वो वैल्यू लेके आएगा। अब जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, या फिर जो भी लॉस होगा सी की वजह से या फिर न्यू पार्टनर की वजह से, जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो ना सी को नहीं देंगे हम लोग, ठीक है? क्योंकि उसकी वजह से हो रहा है, तो वो हम बांटेंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर्स में, इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है, ठीक है? ये सारा समझ में आया, एक बार ये सिस्टम चल क्या रहा है, ये समझ में आया सब कुछ? अगर ये समझ में आ गया तो अब जो पढ़ने वाले हैं ना वो आराम से, सिर्फ हलवा है वो, कुछ भी नहीं है, रिवॉल्यूशन अकाउंट हलवा है, हलवा हलवा, ठीक है, घी डाला हुआ हलवा है, खाना है मजे लेने हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी चीज समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो समझो एक बार, ठीक है? ये सबको दोबारा देखो, एक बार स्किप थोड़ा सा बैकवर्ड करो और दोबारा से इस चीज को समझो, ठीक है? नहीं आई है तो और भी तरीके से भी मैं समझाऊंगा जब हम थ्योरेटिकल पूरा पढ़ेंगे तो, ठीक है? चलो अभी देखते हैं आगे सिस्टम है क्या, ये रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता क्यों है, ये सब हमने देखा, ठीक है? अब देखो यहां लिखता क्या है, व्हेन एवर ए न्यू पार्टनर एडमिटेड, मैंने आपको बोला कि ये मेनली बात करेगा एडमिशन की, लेकिन ये डेथ में भी हम बहुत बात करते हैं, डेथ हो जाए, डिसोल्व हो जाए, ठीक है, कोई भी हम लोग रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपने फर्म में, ठीक है, कोई भी चेंजेस करते हैं तो, ठीक है? तो क्या कहते हैं, व्हेन एवर ए न्यू पार्टनर एडमिटेड इट बिकम्स नेसेसरी, किसी को नहीं बताना, क्या कहता है, बिकम्स नेसेसरी, जरूरी है टू रिवैल्यू दी असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ दी फर्म टू दियर ट्रू एंड फेयर वैल्यूज। असेट्स की और लाइबिलिटीज की ट्रू एंड फेयर वैल्यू निकालनी जरूरी है जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट करेगा। क्यों करे, क्यों निकालनी जरूरी है, ताकि हमें, ताकि उस पार्टनर को जो आ रहा है उसे एग्जैक्ट वैल्यू पता लग सके कि भाई मुझे कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करना है इस फर्म में।
ठीक है. दिस इज डन बिकॉज विद द पैसेज ऑफ द टाइम ऑफ द वैल्यू ऑफ सर्टेन असेट्स माइट हैव इंक्रीज्ड व्हाइल द कुछ चीजें इंक्रीज होंगी व्हाइल द वैल्यू ऑफ सर्टेन असेट्स माइट हैव डिक्रीज्ड. तो कुछ असेट्स इंक्रीज होंगी और कुछ असेट्स डिक्रीज होंगी. क्या कहते हैं, कुछ असेट्स आपकी इंक्रीज होंगी और कुछ असेट्स आपकी डिक्रीज होंगी. बिल्कुल जी होंगी. उसी तरह से आपके कुछ लाइबिलिटीज होंगी, वो भी आपकी कुछ लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी और कुछ लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी. जी बिल्कुल होंगी. तो क्या कहते हैं, दस द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेरियस असेट्स एंड लाइबिलिटीज मे बी डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू स्टेटेड इन द बैलेंस शीट. बिल्कुल, आपने जो 31 मार्च को एक बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट नाम सुना है, सुना है ना, सुना जरूर होगा, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा. तो बैलेंस शीट आपने एक बनाई, उसमें जो भी एंट्री है, मान लो यहां पे लिखा है स्टॉक, मान लो यहां लिखा है स्टॉक, स्टॉक लिखा है यहां पे 20,000 का, ठीक है. और अब अगर आप देख रहे हैं, आप मान लो जून में देख रहे हैं, जून में उस असेट की वैल्यू कुछ ना बढ़ गई, ठीक है, ये असेट है ना, तो स्टॉक की वैल्यू वहां पे मान लो जो आपके पास स्टॉक पड़ा है उसकी वैल्यू बढ़कर 50,000 हो गई. तो क्या उस स्टॉक की वैल्यू 30,000 से इंक्रीज हुई है, हुई है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी घट सकती है, अप डाउन आ सकते हैं ना मार्केट में, कोई बड़ी बात तो नहीं है. तो वही चीज कह रहे हैं कि असेट की या लाइबिलिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है. फिर कहते हैं न्यू पार्टनर शुड नॉट सफर, न्यू पार्टनर जो है वो सफर, नॉट सफर बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. असेट्स में अगर कुछ रिडक्शन होता है तो उसे सफर करने की नीड नहीं है. नॉर शुड बी बेनिफिटेड बाय इंक्रीज बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन दियर ओल्ड शेयरिंग रेशियो. ना जो नया पार्टनर है, ना तो उसे कोई सफर करना होगा, ना ही उसे कोई बेनिफिट मिलेगा इस चीज का, ठीक है. जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उस सबको ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है जी, इतनी चीज समझ में अच्छे से. अभी एक ना एक छोटी सी बात और कहते हैं. अब कहते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या कहते हैं, समटाइम्स दिस अकाउंट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहां से आपका एमसीक्यूज बन सकता है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ये लाइन आपका ध्यान रखना है, ठीक है. रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्या है और क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है. दिस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट. क्या है जी, ये एक नॉमिनल अकाउंट है. क्या है, नॉमिनल अकाउंट. अच्छा, नॉमिनल अकाउंट का हमने ना जब जर्नल एंट्रीज करी है, आपके गोल्डन रूल्स करे, तो उसमें गोल्डन रूल्स में कुछ रूल था, वो क्या था, अगर कुछ किसी को ध्यान हो तो, कुछ कुछ याद आया माइंड में बताऊं मैं, डेबिट ऑल. अब कह दोगे हाँ जी सर, आ गया याद, आ गया मेरे को, आ गया तुम्हारे को, आ गया कहता, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, आ गया याद, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, आ गया. नॉमिनल अकाउंट का ये एक रूल होता है, जितने भी आपके लॉस हो रहे हैं या जितने भी आपके एक्सपेंस हो रहे हैं उनको डेबिट कर दो, जितने भी आपकी इनकम हो रही है, जितने भी आपकी गेन हो रही है, उन सबको क्रेडिट कर दो. अब मैंने आपको यहां पे ट्रिक बताई थी, आपका जब लॉस होता है ना या आपका जब एक्सपेंस होता है तो आपको लगता है क्या, डर, और डर लगने पर आप करते हो उस चीज को डेबिट, ठीक है. हालांकि आप तो जर्नल एंट्रीज आपने इतनी कर ली होंगी, उम्मीद करता हूँ कि आपने इतनी एंट्रीज कर दी होंगी, आपने वो वाला लेक्चर भी देखा होगा जहां मैंने ये ट्रिक बताई है, तो आपको चीजें याद हो गई होंगी, तो आपको ये डर वाला मेथड करना ही नहीं हो पड़ेगा, बस आपके माइंड में चलेगा, आपको बार बार ये नहीं करना पड़ेगा इसकी वजह से लगेगा डर तो हम कर देंगे डेबिट, नहीं, आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट अब चीजें आ गई होंगी, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है. नहीं आई तो कोई बात नहीं है, हम सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं. अब देखो क्या कहते हैं, दिस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, देयरफॉर इट इज ए लॉस ड्यू टू द रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन अकाउंट इज डेबिट कर देंगे, एंड इफ द रिवॉल्यूशन रिजल्ट इन द प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट होता है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया. क्या कह रहे हैं, अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या होता है जी, आपका लॉस होता है तो ठीक है, तो उसे हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो उसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है. अब छोटा सा इसका परफॉर्मा देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम एक हल्का सा छोटा सा मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा कि सिस्टम है क्या, ठीक है. तो बड़ा प्यारा सा बहुत अच्छा सा इसका परफॉर्मा है. क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या चीज है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहली बात तो चार चीजें आएंगी, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, ठीक है. अच्छा, ये वाली साइड कौन सी होती है, क्रेडिट या डेबिट, डेबिट साइड होती है, ठीक है, और ये वाली साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड होती है, ठीक है.
हमने पढ़ा ड्यूल एंट्री सिस्टम होता है, हर एक अकाउंट का एक साइड डेबिट होगा दूसरी साइड क्रेडिट होगा, है ना। अब जब आपकी जब भी आपकी ना, यहां मैं लिख देता हूं, जब भी आपकी असेट्स डिक्रीज होंगी या फिर जब भी आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी, प्लस लिख दिया मैंने, बढ़ेगी तो ठीक है, तो वो आएगा आपका डेबिट साइड में। जब भी आपकी असेट्स इंक्रीज होगी या फिर जब भी आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी, वो आएगा आपका कहां पे, क्रेडिट साइड में। अब यहां पे चार चीजें तो ये हो गई कि एक तो है हम लोग बात कर रहे हैं असेट्स की, या तो वो होगी इंक्रीज या वो होगी डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज, ठीक है। एक हमने बात करी लाइबिलिटी की, लाइबिलिटी भी या तो होगी वो इंक्रीज या होगी वो डिक्रीज, सिंपल सी चीज। इसके अलावा ये तो होगी चार चीजें, ठीक है, चार चीजें। इसके अलावा हम दो चीजों की बात और करते हैं, एक तो बात करते हैं हम लोग अनरिकॉर्डेड असेट्स की, और दूसरी हम बात करते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज की। किसकी जी, लाइबिलिटीज की। जब आपके अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं, इसका मतलब आपके असेट की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो आ जाएगा आपका कहां पे, क्रेडिट साइड में। अगर अनरिकॉर्डेड कोई लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब पैसा देना है, शिट यार पैसा देना है, पैसा जा रहा है, और पैसा जब जाता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटी हो रही है, ठीक है, लाइबिलिटी क्या हो रही है हमारी, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पैसा हमारा जा रहा है, तो क्या होगा माइनस, और हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्या कर देंगे जी, डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब इतने से समझ में आया, अब देखो है क्या 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 लिखता है, टू डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर वैल्यू असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो आप लिखेंगे यहां पर, अगर वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्रीज होती है तो लिखेंगे क्रेडिट में, अगर इंक्रीज होती है आपकी लाइबिलिटी तो इसका मतलब पैसा देना है, इंक्रीज हो रही है लाइबिलिटी तो पैसा देना है, पैसा देने की एंट्री क्या होती है, डेबिट में होती है, ठीक है, और डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है, तो हम उसे कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। फिर कहता टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी शुड योर, पैसा देना है, है ना, पैसा देना है, अब पैसा देना है तो क्या होगा, तो क्या होगा, डेबिट कर देंगे, और अगर जब हमारे पास एसेट्स बढ़ रही है तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब वही चीज यहीं तक करते हैं मेनली, तो उसके बाद हम कर देते हैं टोटल, ठीक है, टोटल कर देते हैं। अब टोटल करने के बाद इस साइड का हुआ ज्यादा, इस साइड का हुआ ज्यादा, इस साइड का हुआ कम, तो हम क्या कर देंगे, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसमें जी, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, इन द रेशियो ऑफ बोलो इन द रेशियो ऑफ किसमें, ओल्ड रेशियो में, किस सैक्रिफाइस में, ओल्ड में, हमने अभी पढ़ा सर, आपने बताया था, हाँ बिल्कुल सही बताया। अगर यहां का ज्यादा होता है, इस तरफ का अमाउंट ज्यादा होता है और इस तरफ कम होता है, तो हमारे क्या होता है, लॉस हो जाता है, तो लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ ओल्ड रेशियो, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। तो अब है क्या इसमें, कि कोई भी अगर असेट्स डिक्रीज होती है, असेट्स डिक्रीज हो रही है तो हमें दुख होता है ना, दुख हो रहा है कि असेट्स से डिक्रीज हो रही है तो हमारा पैसा जा रहा है, तो हम उसे डेबिट कर देंगे। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो फिर पैसा जा रहा है, तो अब क्या होगा, डेबिट कर देंगे। असेट्स बढ़ रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिट। अनरिकॉर्ड कोई असेट मिल गई तो क्रेडिट, अनरिकॉर्ड कोई लाइबिलिटी मिल गई तो डेबिट, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो न्यू पार्टनर से कोई भी रिलेशन नहीं है, न्यू पार्टनर सिर्फ देखेगा कि इनके औकात क्या है, मैं किस हिसाब से पैसा लेके आऊं इनके पास, है ना, वो उनकी औकात देखेगा, और औकात जितनी जो भी निकल गया है औकात में, चाहे वो प्रॉफिट निकल गया चाहे वो लॉस निकल गया है, अब वो औकात में चाहे प्रॉफिट निकल गया चाहे वो लॉस निकल गया है, वो कहां पे जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस क्या नाम है, सॉरी ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, मतलब हल्का सा बताऊंगा, पूरा बड़ा क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हम लोग देखेंगे, ठीक है। मान लो आपको ना एक बैलेंस शीट दी हुई है, मैं यहां पे छोटा छोटा बनाऊंगा, ठीक है, एक बैलेंस शीट है, ठीक है, उसके बाद ये तो आपको दी हुई है, ठीक है। अभी आपके पास ना दो चीजें बनेंगी, एक तो बनेगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक चीज और बनेगी आपके पास, क्या, बैलेंस शीट,
उसी साल की। मान लो ये हुआ आपका 2020 की बैलेंस शीट, अभी ना 2020 में था, मान लो आज आज क्या तारीख है, 29 तारीख, 29 तारीख को एक पार्टनर आ रहा है, कह रहे हैं हाँ जी आप बताओ क्या सिस्टम है ना भी आपका, आप रिवैल्यू करो अपनी असेट्स और लाइबिलिटीज को, मैं आ रहा हूँ, हमारे यहाँ स्वागत करो हमारा रिवैल्यू करके, है ना, मैं तभी तो कैपिटल लेके आऊंगा। कहता चलो ठीक है हम करते हैं। तो क्या होगा, ये तो रिवैल्यू वाली सारी की सारी अमाउंट कहाँ पे आएगी, रिवैल्यूएशन में, जो भी आपके असेट्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। और एक एक ना 31 मार्च को ना एक चीज और बनती है, क्या बनती है जी, बैलेंस शीट बनती है। तो जब 31 मार्च, ये तो 2020 में था, ये 2020 है, ठीक है, ये क्या हुआ 2021 हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट कहाँ बनेगी, 2021 में, कब, 31 मार्च को, ठीक है। यार लाइंस पे थोड़ा सा कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कुछ ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही है, बस हमने चीजें समझनी है, बस थोड़ा सा इसलिए कर लेना, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास ना एक स्टॉक है, कितना क्या है स्टॉक है, एक स्टॉक आपको दिया हुआ है 1,20,000 का, मान लो 1,20,000 का आपको स्टॉक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1,20,000। अब ना उसकी वैल्यू जो है, हमने जब रिवैल्यू किया तो उसकी वैल्यू निकल कर आई, स्टॉक की वैल्यू क्या निकल कर आई जी, 1,10,000 रुपए, कितना निकल गया है 1,10,000। अच्छा एक चीज बताओ, स्टॉक हमारा 1,20 है और स्टॉक यहां पे जो एक्चुअल वैल्यू निकल कर आई है 1,10,000, ज्यादा हुआ कि कम हुआ, असेट बढ़ी कि कम हुई, असेट कम हुई, 1,10,000 हो गई ना, तो मेरी असेट कितने से कम हुई जी, मैं क्या लिखूं यहां पर, टू स्टॉक लिखूं, टू स्टॉक अकाउंट, ऐसा लिखना लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा ना, यहां पर्टिकुलर आएंगे, यहां अमाउंट आएगा, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। अच्छा टू स्टॉक कितने से कम हुई, कितने से कम हुई, ये बात ध्यान रखना, जितनी हुई वो नहीं, कितने से कम हुई, 10,000 से कम हुई। अच्छा ठीक है जी, 10,000 से कम हुई, लेकिन एक्चुअल एक्चुअल कितनी है स्टॉक, 1,00,000, 1,10,000। अच्छा 1,10,000 तो मेरी, मैंने स्टॉक बैलेंस शीट में तो डालना है, असेट है मेरी, मेरे को बैलेंस शीट में तो डालना है, तो मैं यहां पे 1,10,000 डालूंगा ना, है ना, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो ये है, 2021 में इसकी वैल्यू क्या है, 1,10,000, यही तो हुई ना, तो मैंने इसको क्या करा, स्टॉक में डाल दिया 1,10,000, और जितने से कम हुई वो डाल दिया 10,000 इसमें डेबिट साइड में, ठीक है जी। अच्छा मैं अगर दूसरा एक छोटा सा एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मान लो आपकी एक मशीनरी है, क्या है जी, आपकी एक मशीनरी है, ठीक है। अच्छा इस मशीनरी का ना अमाउंट दिया हुआ है 1,59,000, ठीक है। अच्छा ये कहा इसने कि जो मशीनरी है ना, वो मशीनरी आपकी हर साल डेप्रिशिएट होती है, ये डेप्रिशिएट हो गई 10% से, डेप्रिशिएट हो गई। अच्छा 10% डेप्रिशिएट हो गई, तो असेट बढ़ी कि कम हुई, असेट बढ़ी या कम हुई जी, असेट तो हमारी कम हुई, क्योंकि डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम होना। अच्छा कम होना होता है, तो मैं इस साइड लिखूं कि इस साइड लिखूं जी, इस साइड लिखूंगा, हां जी, टू मशीनरी अकाउंट। अच्छा कितने से, 10% कितना, 1,59,000 का। अच्छा 1,59,000 का 10% कितना होता है, कितना होता है जी, 15,900 रुपए, ठीक है ठीक है। अच्छा मशीनरी जो कम हुई, अब मुझे इसको यहां पे तो मैंने डाल दिया, इसकी वैल्यू मुझे पता लग गई कितने से कम हुई, क्या हुआ, इसको मुझे बैलेंस शीट में भी डालना होगा, बिल्कुल जी डालना होगा। तो मैं बैलेंस शीट में क्या लिखूंगा, मशीनरी की। अच्छा अमाउंट बताओ मुझे जल्दी से, क्या होगी अमाउंट, में ये 1,59,000 लिखूं, 15,900 लिखूं, या क्या लिखूं जी, 15,900 तो आपकी इतने से कम हुई है, अब कितने से किस पे कम हुई है, इतने से इस पे कम हुई है, 15,900 से कम हुई है, 1,59,000 में से, तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, 1,43,100। चीज क्लियर है, बहुत आसान है, हमने किया हुआ है यार, ये सब किया हुआ है, सब किया हुआ है हमने, ये 12th में याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत आसान है, ठीक है। मैं देखो आपको, नेट वाले बच्चे ना कहीं यार प्रैक्टिकल हमारे में आता नहीं है, क्यों दुख दुखी कर रहे हैं सर, आपको जो प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ना, आप थ्योरेटिकल चीजें समझ लोगे, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना एमसीक्यूज में, वो कभी भी प्योरली थ्योरेटिकल नहीं होता है, उसमें प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, उसमें पूछेगा वो डेबिट क्या करोगे, क्रेडिट क्या करोगे, कौन सी चीज कहां जाएगी, कौन सी चीज कहां से आएगी,
सब पूछेगा। तो जब आपको प्रैक्टिकल माइंड में होगा ना, तो आप थ्योरेटिकल आराम से कर सकते हैं। उसमें अगर आपको पता होगा कि ये चीज यार यहाँ पे ऐसे जा रही थी, यहाँ ये चीज यहाँ से ऐसे आ रही थी, तो आप उस क्वेश्चन को इजिली कर सकेंगे। तो प्रैक्टिकल जरूरी, अकाउंट्स का मतलब ही यार प्रैक्टिकल है। आप थ्योरेटिकल पे अटक ही नहीं सकते ना। बहुत आसान है अकाउंट्स, बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी मेहनत की बात है, ठीक है। अच्छा, मैंने ना दो सेट्स ले लिए। अभी मैं एक क्रेडिट वो लेता हूँ, लाइबिलिटी लेता हूँ। मान लो यहाँ पे एक ना क्रेडिटर है, ठीक है। इस क्रेडिटर की जो आपकी वो थी अमाउंट थी, वो थी आपकी 24,000 रुपये। कितनी थी जी? 24,000 रुपये। और इसमें ना जब ये आया, तो उस टाइम हमने जब रिवैल्यू करी, तो रिवैल्यू करके ना एक चीज़ पता लगी, जो क्रेडिटर्स थे ना, जो क्रेडिटर्स थे वो हमारे बढ़ गए। कितने से जी बढ़ गए? 2500 रुपये से बढ़ गए। ओहो, हमारा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया है ना। अच्छा, ये नुकसान हुआ मतलब पैसा यार जा रहा है। शिट यार, पैसा जा रहा है। अब पैसा जा रहा है तो हम क्या करेंगे? बाय क्रेडिटर्स करेंगे। कितने से? कितने से? 24,000 से? नहीं सर, इतने से हुआ है। इतना तो पहले था, इतना अब हुआ है, इतने से कम हुआ है। तो इतने से क्या कर देंगे हम लोग? 2500 से कर देंगे। अच्छा, 2500 से कर तो दिया, अब ये बैलेंस शीट में भी जाना चाहिए। बिल्कुल जी, जाना चाहिए। तो बैलेंस शीट में अगर जाएगी, तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? कितने से कितने ही करेंगे? पहली बात तो चलो ठीक है, मैंने लिख दिया यहां पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, कर दिया लायबिलिटी साइड। अच्छा, कितने से करूंगा? कितने से करूंगा? 2500 में से, उसमें से 24,000 में से ये क्या कर दूंगा? 2500 माइनस कर दूंगा, मेरे पास बचा कितना? 21,500 रुपये, ठीक है। तो ये इस तरह की एंट्रीज हैं। आपको असेट्स और लाइबिलिटीज पहली बात तो पता होनी चाहिए, होती कौन सी है। और अगर वो आपकी क्या है, मैंने आपको बताई दी, अगर वो आपकी असेट्स जो है वो कम हो रही है, तो आप क्या कर देंगे? डेबिट साइड में कर देंगे। अगर लाइबिलिटी ज्यादा है तो डेबिट साइड कर देंगे। अगर असेट बढ़ रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो क्रेडिट साइड कर देंगे। अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो डेबिट साइड, ठीक है। डेबिट का मतलब माइनस कर लेना, ठीक है। डर लग रहा है आपको बेचारे को, ठीक है। ये चीजें आपने, इसकी एक जर्नल एंट्री है, छोटी सी जर्नल एंट्री, ठीक है। मैंने ये मान लो ये आपको क्वेश्चन कराया, तो एक चीज आपने देखी होगी, आपने जर्नल पढ़ने पर लेजर पढ़ा होगा। तो लेजर में हमने एक चीज देखी, मैं इसको रब कर दे रहा हूं एक बार। जब भी ना लेजर में हम लोग करते हैं या जर्नल एंट्री करते हैं नॉर्मल लेजर्स के थ्रू, तो क्या होता है, जहां पे टू होता है ना, उसको टू पड़े रहने दो। मतलब तुक्के वाली बात नहीं है ये, रट्टे वाली बात नहीं है, नॉर्मल चीज है कि जब टू है वो टू पड़े रहने दो। ओके जी, टू पड़े रहने देते, इसका मतलब क्रेडिट हो रहा है। याद रखना, लेजर का हमेशा एक अलग रूल होता है, जिस तरफ आपकी है उसे डिफरेंट साइड वो जाएगा। तो यहां पर टू डेबिट साइड है, यहां पे क्रेडिट साइड था, ठीक है। तो टू डेबिट साइड, ये टू टू पड़े रहने दो। टू जर्नल एंट्री में क्या होता है, टू क्रेडिट साइड होते हैं, टू स्टॉक, ठीक है जी, टू स्टॉक अकाउंट। अच्छा, अकाउंट कौन सा बना रहे हैं हम लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या हुई? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं और बाय लिखा हुआ है। तो क्या कहीं बाय देखा है आपने? कहीं देखें लेजर के हिसाब से देखो कि अगर वो क्रेडिट हो रही है तो जर्नल एंट्री में जाके वो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो मैं ऐसे कर दूं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू टू अकाउंट कौन सा बना रहे हैं? रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। सिंपल सी जर्नल एंट्री है, बहुत सिंपल जर्नल एंट्री। मजा आ गया सर, मजा आ गया। अभी कमेंट करते हैं, आपको बताते हैं, बड़ा अच्छा लगा हमसे पढ़ के, ठीक है ना। करो कमेंट करो यार, बताओ, फीडबैक दिया करो, ठीक है। तो चीजें समझ में आई कि है क्या रिवॉल्यूशन अकाउंट। पहली बात तो हमने देखा कि बनता क्यों है, क्या क्या उसमें आते हैं, असेट्स बढ़ेगी कम होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी कम होगी, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी होगी, अनरिकॉर्ड असेट्स होगी, तो कहां आएगा, कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो क्यों बनाते हैं वो भी हमने देखा, ठीक है। इस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी करके देख लिया, हल्का सा एक एग्जांपल लेके देख लिया, स्टॉक का, क्रेडिटर का, मशीन का, ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट, और रिवॉल्यूशन अकाउंट जरूरी है जब भी कोई भी चेंजेस होंगे आपकी पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है जी। और कोई भी प्रॉफिट होगा या कोई भी लॉस होगा, उसका इंपैक्ट कभी भी न्यू शेयर, न्यू पार्टनर पे नहीं पड़ेगा। ना तो उसको कोई लॉस उठाना पड़ेगा, ना उसको कोई बेनिफिट मिलेगा। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, उसका सारा का सारा भुगतान या उसका सारा का सारा प्रॉफिट जो होगा वो लेके जाएगा कौन? ओल्ड पार्टनर से लेके जाएंगे। किसमें? ओल्ड रेशियो में लेकर जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो चीज आज समझ में आई होगी, छोटा सा एक लेक्चर था, ठीक है। तो
कल हम करने वाले हैं एडमिशन स्टार्ट, ठीक है। एडमिशन किस चीज़ के, एडमिशन कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कोर्स का तो चलो कंटिन्यू चल रहा है, 3 तारीख को कोर्स स्टार्ट है। एडमिशन मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, टॉपिक अपना, ठीक है, ज़्यादा मत इधर उधर हुआ करो। तो पार्टनर का हम लोग एडमिशन यहाँ पे कल से शुरू कर देंगे, जो अपना चैप्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आई है, कैसा लगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए, समझ में आया तो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो लाइक करके जाइएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है जी। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।